दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद। स्वागत है आपका स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित एक ऐसे एक जश्न में जिसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। दोस्तों मुझे आपको बताते हुए फक्र महसूस हो रहा है कि इस 15 अगस्त को यानी कि कल हम अपने देश की आजादी के 75वें गौरवपूर्ण साल पूरे करने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं आपको यह भी बताना वाजे समझता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में पिछले एक साल से देश के कोने कोने में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम मची हुई है। इस पावन वेला के मौके पर मैं डॉक्टर लक्ष्मण शर्मा वाहिद मेरी तरफ से आज के जलसे में हाजिर हमारे तमाम मित्रगण शायर और एकमात्र कवित्री आपकी तरफ से TV1 इंडिया के रूहे रवा एडिटर इन चीफ मोहतरम जनाब सुधीर शर्मा जी की तरफ से सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयां शुभकामनाएं। हम सब उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर शहादत प्राप्त की। हम उन माओ बहनों भाइयों और पिता के संवेदनाओं का भी मान करते हैं, उनको भी नमन करते हैं कि इन्होंने आजादी के इस महायज्ञ में अपने चहतों की अपने आंख के तारों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई, और वो आजादी जिसको हम पिछले 75 वर्षों से जीते आ रहे हैं। हम सब आपके आभारी हैं, आपके कर्जदार हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने सारी प्रताड़नाएं सही, सारे दुख कष्ट सहे लेकिन अपने इरादे में अड़िग रहे, हम उनको भी सलाम करते हैं। इस जश्न की शुरुआत करते हैं और जश्न के शुरुआत में मैं एक ऐसी कवित्री को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो नवांकुर है, मेरी मुराद है, अंधेरी मुंबई से पधारी हुई डॉक्टर रोशनी किरण साहिबा। रोशनी किरण साहिबा, आपका स्वागत है। आज मैं यहां उपस्थित हूं आप सबके सामने आजादी के अमृत महोत्सव पर कुछ अपनी कविताएं रचनाएं लेकर, और मैं दो दोहे और एक गीत आप सबके सामने रखूंगी जी, हाँ जी। और सुनिए जी, बहुत बहुत आभार। अमर तिरंगा नभ छुए निस दिन प्रातः सा, अमर तिरंगा नभ छुए निस दिन प्रातः शाम, हर अगस्त 15 तिथि आजादी के नाम, बहुत अच्छे, क्या बात, आजादी के नाम, हरा श्वेत रंग के तीन रंग के ख्वाब, अति सुंदर, हरा रंग हरा श्वेत रंग के श्री तीन रंग के ख्वाब, अमर तिरंगा राष्ट्र की अनुपम प्रीति किताब, और गीत रखती हूँ जी, स्वागत है। माँ भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन, माँ भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन, वर्णन कहाँ तक कवि करे विस्तार, इतना है गहन, वर्णन कहाँ तक कवि करे विस्तार, इतना है गहन, माँ भारती सादर नमन, माँ भारती शत शत नमन। वाँ, 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 और बंद है।
बाग बन उपवन सलोने बह रही गंगा निराली, बाग बन उपवन सलोने बह रही गंगा निराली, दिन में सब होली मनाए रात में मनती दीवाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। बाग बन उपवन सलोने बह रही गंगा निराली, दिन में सब होली मनाए रात में मनती दीवाली। बहुत अच्छे। प्रभु की इस अनुपम कला से चर अचर सब है मगन, माँ भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन, हिम शैल उत्तर में सुशोभित उदधि दक्षिण में बहे, हिम शैल उत्तर में सुशोभित उदधि दक्षिण में बहे, रश्मिया कंचन किले कर अंशुमन पूरब रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे। हिम शैल उत्तर में सुशोभित उदधि दक्षिण में बहे, रश्मिया कंचन किले कर अंशुमन पूरब रहे। कितना सुंदर कितना प्यारा देख नियति का सृजन, माँ भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन। और आगे बंद है। ग्रीष्म वर्षा शीत ऋतुवे करती सब श्रृंगार है, ग्रीष्म वर्षा शीत ऋतुवे करती सब श्रृंगार है, देती है यह अवनि को सब हर्ष का उपहार है, ग्रीष्म वर्षा शीत ऋतुवे करती सब श्रृंगार है, देती है यह अवनि को सब हर्ष का उपहार है, देख कर सौंदर्य इसका क्षितिज चूमे है गर्व, माँ भारती सत सत नमन, सांझ की सुषमा सुशोभित चांद तारों को धरे, सांझ की सुषमा सुशोभित चांद तारों को धरे, रात रानी संग में उनके खुशबुओं से मन भरे, सांझ की सुषमा सुशोभित चांद तारों को धरे, रात रानी संग में उनके खुशबुओं से मन हरे, स्वर्ग से भी बढ़ के प्यारा लग रहा अपना चमन, माँ भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन। और अंतिम बंद है। वीर है
से हैं दिए जो बांधे अपने सर कफन, वीर ऐसे हैं दिए जो बांधे अपने सर कफन, जिंदगी आजादी में कर डाली सबने है हवन, वीर हैं दिए जो बांधे अपने सर कफन, जिंदगी आजादी में कर डाली सबने है हवन, गर्भ में कितने रखे कंचन, रजत कितने रतन, भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन, माँ भारती सादर नमन, माँ भारती सत सत नमन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ भारती तुझको नमन, माँ भारती शत शत नमन। अपने इस खूबसूरत गीत से हमें नवाज रही थी डॉक्टर रोशनी किरण साहिबा। दोस्तों, आप यकीन मानिए कि हमारे देश में ऐसे जाबाजों की, ऐसे देश में मर मिटने वालों की कोई कभी न थी न है न होगी। हम जो बात कहते हैं वो दिल से कहते हैं। ऐसे ही दिल से बात करने वाले मैं अगले कवि की ओर आपको लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके मनोरंजन में किसी तरह का व्यवधान मेरी वजह से पैदा हो। एक ऐसा कवि जो हास्य व्यंग की कविताएं कहता है और साथ में देशभक्ति का जज्बा और जलवा भी इतना है कि जब वो देशभक्ति की कविताएं सुनाते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा कवि जो सतारा पुणे से हमारे बीच हाजिर हैं, रेलवे के अधिकारी हैं। मेरी मुराद है सतारा महाराष्ट्र से हमारे बीच आए राजेश टैगोर जी। राजेश भाई, आपका स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम भारत की आजादी का। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम भारत की आजादी का। उत्सव है ये मालिकों का, नहीं किसी फरियादी का। ऐलान कर रहे हैं विश्व में भारत की आजादी का। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम भारत की आजादी का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और साथियों, शहीदों की बात हो रही है और आज यदि स्वतंत्रता दिवस पे हम शहीदों को याद न करें, उसके पहले एक लाइन मुझे याद आती है। किसी ने कहा है कि आंखों के लिए जैसे प्रकाश है, आंखों के लिए जैसे प्रकाश है, फेफड़ों के लिए जैसे वायु है, हृदय के लिए जैसे प्रेम है, उसी तरह मानवता के लिए स्वतंत्रता है, मानवता के लिए स्वतंत्रता है। और शहीदों की बात करते हैं कि शहीद होने का नहीं कोई मौसम होता है, शहीद होने का नहीं कोई मौसम होता है, शहीदों की चिताओं से जग रोशन होता है। कि शहीद होने का नहीं कोई मौसम होता है, शहीदों की चिताओं से जग रोशन होता है। उनकी शहादत के चर्चे जग में आम होते हैं और एक सैनिक है जिन्हें सैकड़ों सलाम होते हैं, एक सैनिक के तरह से सलाम होते हैं। और हमारे देश की परंपरा क्या है? हमारे देश की परंपरा है कि हमारे देश की माताएं, बहनें, पत्नियां अपने पतियों का राज तिलक करके युद्ध के मैदान में भेजती हैं। और जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो अपने परिवार से क्या कह के जाते हैं, हमारे ऊपर क्या जवाबदारी छोड़ के जाते हैं कि मैं जंगे मैदान से लौटा तो ये सारा चमन हमारा है, कि मैं जंगे मैदान से लौटा तो ये सारा चमन हमारा है, वरना मैं एक सहारा था अब सारा वतन। और दोस्तों, हम यदि तिरंगे की बात करते हैं कि लहर लहर लहराए तिरंगा, भारत की जय गाए तिरंगा। कि लहर लहर लहराए तिरंगा, भारत की जय गाए तिरंगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सबका भेद मिटाए तिरंगा। लहर लहर लहराए तिरंगा, हम सब मिलजुल रहते, हम सब मिलजुल रहते, एक स्वर में जय हिंद कहते। क्या बात है, क्या बात, हम सब मिलजुल रहते, एक स्वर में जय हिंद कहते, देश हमें प्राणों से प्यारा, वंदे मातरम हमारा नारा। वाह वाह, भारत की पहचान तिरंगा, आन बान और शांत तिरंगा। भारत की पहचान तिरंगा, आन बान और शांत तिरंगा। कि भारत की पहचान तिरंगा, आन बान और शांत तिरंगा,
एक विश्व की राह दिखाए, विश्व बंधुत्व का भाव जगाए। एक विश्व की राह जगाए, विश्व बंधुत्व का भाव जगाए। तीन रंगों की छटा निराली, त्याग तपस्या और हरियाली, प्रगति पथ पर अशोक चक्र है। कि प्रगति पथ पर अशोक चक्र है जिस पर हमें नाज और फक्र है। नील गगन लहराए तिरंगा, भारत की जय गाए तिरंगा। नील गगन लहराए तिरंगा, भारत की जय गाए तिरंगा। छटा अनोखी बिखरा कर सबके मन को भाए तिरंगा, सबके मन को भाए तिरंगा, सबके मन को भाए तिरंगा। जय हिंद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राजेश टैगोर जी को, जो आपको बता रहे थे कि घर घर तिरंगे की मुहिम हमारे सबके लिए कितनी जरूरी है और कितनी अहम है। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम हिंदुस्तानियों में जोश और जज्बे की, जुनून की कभी कोई कमी नहीं रहती है। इस मौके पर मैं अपने उन सैनिकों को भी सलाम करना चाहता हूं जो हमारे देश की सुरक्षा में, देश की सीमाओं पर लगे हुए हैं। वो वहां डटे हैं सिर्फ इसलिए कि हम यहां आजादी से सांस ले सके। इसलिए मेरी तरफ से और पूरे देशवासियों की तरफ से उन सैनिकों को झुककर सलाम नमन, जो हमारे देश की हिफाजत में सीमाओं पर तैनात हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित हमारा एक खास कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम जश्न आजादी। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज, जब बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा, नगर सेवक का भी काम है कि वो आके उसके नगर में देखे। डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा, काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल खोल। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित हमारा खास कार्यक्रम जश्न आजादी। आपका, हमारा और मेरे सुनने वाले सभी लोगों का देशभक्ति का जज्बा यूं ही कायम रहे, यूं ही जलवा रहे। मैं उन सबको सलाम करता हूं और आपको एक ऐसे शहर की ओर लेके चलता हूं जो मऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं। नाम तो उनका मासूम है और माशाल्लाह शक्ल से भी बड़े मासूम लगते हैं, मगर आप यकीन मानिए कि उनके शेरों की बलागत देखते बनती है। अपने शेर के साथ मैं उनको आवाज देना चाहता हूँ कि शहीदों की शहादत पर कभी हम फिक्र नहीं करते, शहीदों की शहादत पर कभी हम फिक्र नहीं करते, फक्र करते हैं लेकिन कभी जिक्र नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। मासूम बैरागी साहब, आपका इस्तकबाल। शहादत के जो चिराग जला कर चले गए, क्या बात है, क्या बात है। शहादत के जो चिराग जला कर चले गए, शहादत के जो चिराग जला कर चले गए, वतन की आन बान शान बढ़ा चले गए, वतन की आन बान शान बढ़ा कर चले गए। खास तौर से तो ये चाहूंगा कि अपने लहू का कतरा कतरा निचोड़ कर, अपने लहू का कतरा कतरा निचोड़ कर, दो माओं के वो कर्ज चुका कर दो माओं के वो कर्ज चुका कर चले गए। मेरी रचना का उन्वान, आज हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं इसलिए कि जश्न आजादी है। हम जब घरों में बैठते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो वो खूनों की होली खेलते हैं। एक सैनिक सीमा के ऊपर है, माँ का लिखा हुआ पत्र मिलता है कि बेटा शादी है, घर चले आओ बहन की। लेकिन शादी से 3 दिन पहले गोली लगी हुई है, लहू लुहान है। एक साथी से अपनी बातों को क्या कह रहा था, यही मेरी कथा है। आशीर्वाद चाहूंगा और तमाम जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं सबका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे इस कामनाओं के साथ। जी जी, स्वागत। वो कहता है अपने साथी थे कि देखो ये मत कहना कि मैं मर गया, लेकिन एक बात करना, एक काम करना मेरा, क्या कि साथी मेरी हसरत का
तुम दिया जला देना, क्या बात है, साथी मेरी हसरत का तुम दिया जला देना, साथी मेरी हसरत का तुम दिया जला देना। शादी है बहन की मेरे डोली तुम उठा, शादी है बहन की मेरे डोली तुम उठा देना। जा रहे हो तो कोई ये न समझ पाए कि मैं मर गया हूँ, कह रहा है कि भाप ले न कोई तुझे, देख कर तेरा चेहरा, भाप ले न कोई तुझे, देख कर तेरा चेहरा, बात खुल के करना तुम, क्या बात है, बात खुल के करना तुम और मुस्कुरा देना, बात खुल के करना तुम और मुस्कुरा देना। तुम मेरे मित्र हो, मेरी बहन तुमसे पूछेगी, जाओगे तुम, करना क्या है कि हाल पूछ सकती है, क्या बात है, लाडली मेरी बहना, हाल पूछ सकती है लाडली मेरी बहना, छुट्टी मिल न पाई है, छुट्टी मिल न पाई है, बस यही सुना, छुट्टी मिल न पाई है, बस यही सुना देना। एक काम करना, तुमसे मेरी पत्नी पूछेगी, करना क्या है, सारी बात इशारों से बता रहा है कि तुम ये मत कहना कि मैं मर गया हूँ, लेकिन ये बताना क्या कि हाल जब मेरा पूछे, मेरी धर्म पत्नी तो, हाल जब मेरा पूछे मेरी धर्म पत्नी तो, टूटी हुई चूड़ियां बस उसे दिखा देना, टूटी हुई चूड़ियां बस उसे दिखा देना। जब मेरी बहन डोली में अपने घर चली जाए, इसके बाद क्या करना है, एक दृश्य है, अगर ये पसंद आया मेरे देश के लोगों तो मैं समझूंगा उस शहीद को ये शहादत जी, स्वागत है, दिल पे हाथ रख के पढ़ रहा हूँ, आप दिल पे हाथ रख जी जी, क्या स्वागत, क्या कि जिस घड़ी चली जाए छोड़ घर मेरी बहना, जिस घड़ी चली जाए, क्या बात है, क्या छोड़ घर मेरी बहना, बहुत अच्छे, मेरे घर में एक चिराग जल रहा है, वाह वाह वाह, माँ के सामने जाकर तुम दिया बुझा देना, माँ के सामने जाकर तुम दिया बुझा देना। आखिरी शेर दुआएं चाहूंगा मेरे देश वासियों, और ये हर बाप का जो अरमान होता है वो सिपाही अपने अरमान का पैमान अपने गौरव को भेजा है,
ये पैगाम उसका क्या जी सर? कि बाद मेरे मरने के मेरा लाल भी सिपाही हो। बाद मेरे मरने के मेरा लाल भी सिपाही हो। तुम हमारे गौरव को ये सबक पढ़ा देना। तुम हमारे गौरव को आखिरी बंद में मत्ते का शेर है जी। अपने देशवासियों और अपने साथियों से दुआएं चाहता हूं। अगर एक भी शेर आपको पसंद आया तो है अमर शहीदों की सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में कि वक्त का तकाजा हो। हो अगर मुनासिब तो वक्त का तकाजा हो। हो अगर मुनासिब तो वक्त का तकाजा हो। और हो अगर मुनासिब तो मासूम भैया को क्या बात है? मासूम भैया को सारा सच बता देना। मासूम भैया सारा सच बता देना। मासूम भैया को वक्त का तकाजा हो। हो अगर मुनासिब तो मासूम भैया को सारा सच बता देना। क्या बात है? ऐसी रचना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपके आंखों में आंसू तो क्या लहू उतर आएगा। दोस्तों आपने सबका दर्द सुना। एक सैनिक ये भी बता रहा है कि मेरी माँ अगर पूछेगी तो क्या करना है, दिया बुझा देना है। अगर भाई पूछेगा तो क्या करना है, बहन पूछेगा क्या करना। आपने कभी सोचा है कि जिसका पति गया है उस पत्नी के दिल पर क्या गुजरती है? मैंने गजल कही थी अभी, एक मतला दो तीन शेर उसके मैं हाजिर कर देता हूँ, शायद मेरी बात भी आप तक पहुंचे। मैंने कहा कि दर ओ दीवार का क्रंदन नहीं देखा जाता। दर ओ दीवार का क्रंदन नहीं देखा जाता। होता यूं खाक नशे मन नहीं देखा जाता। होता यूं खाक नशे मन नहीं देखा जाता। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित हमारा एक खास कार्यक्रम जश्न आज़ादी यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा एक खास कार्यक्रम जश्न आज़ादी। क्या है समस्या, कौन है जिम्मेदार? नगर सेवक, अधिकारी या सरकार? वार्ड परिक्रमा में खुलेगा भ्रष्टाचार का राज। बुलंद होगी आम जनता की आवाज। नगर सेवक को तो कभी नहीं देखा। नगर सेवक का भी काम है कि वो यहाँ के नगर में देखे। डेवलपमेंट तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। काम बहुत किया है। वार्ड परिक्रमा खोल। दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है जश्न आजादी। हम अपने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक जश्न मना रहे हैं और उस जश्न के मौके पर हम अपनी तरफ से हमारे देश के तमाम सैनिक, अर्ध सैनिक बल
और वो तमाम लोग जो किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश की सुरक्षा में, हमारे देश की हिफाजत में लगे हैं, हम उन सबको सलाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। दोस्तों, हमारा देश सर्वधर्म सद्भावना का देश है। हम कौमी एकजहती के हिमायती हैं और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगले शायर को जिसको मैं आवाज देने जा रहा हूं, वो ऐसा शायर है, आप यकीन मानिए कि मुस्तकबिल में कौमी यकजहती की अलमबरदारी भी करेगा और अदब की पासवानी भी। मेरी मुराद कोपरी गांव कोपर खेड़ा नवी मुंबई से हमारे बीच पधारे हुए डॉक्टर फुरकान अंसारी साहब। डॉक्टर फुरकान अंसारी साहब, इस्तकबाल है आपका। आज का ये प्रोग्राम जश्न आजादी और मेरा ये गीत पूरे हिंदुस्तान को मुबारकबाद। ये है हर एक दिल का अरमान, ये है हर एक दिल का अरमान, सलामत रहे ये हिंदुस्तान। ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है, मोहब्बत हम सब का ईमान, मोहब्बत हम सब का ईमान, निछावर वतन पे अपनी जान। ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है, यहाँ के खेत और खलियान, यहाँ के खेत और खलियान, नदियाँ और झरनों के गान। ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है, वो मंदिर मस्जिद और अजान, वो मंदिर मस्जिद और अजान, वो गंगा जमुना है पहचान। ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है, वो काशी और मथुरा के गीत, वो काशी और मथुरा के गीत, वो मुरली का मोहक संगीत। के धरती बोलती है, माटी मांगे लहू का दान, माटी मांगे लहू का दान, हाजी लक्ष्मण और फुरकान। बोलती है, एक बार फिर पढ़िए, बहुत अच्छे, क्या बात है। माटी मांगे लहू का दान, माटी मांगे लहू का दान, हाजिर लक्ष्मण और फुरकान। ये धरती बोलती है, ये धरती बोलती है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर फुरकान अंसारी साहब को, जो अपने ख्यालात से आपको रूबरू कर रहे थे, और उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सलामत रहे हिंदुस्तान। हम सब यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान सलामत रहे और यहाँ रहने वाला हर शख्स आज़ादी के साथ जिए, आज़ादी की सांस ले और आज़ादी की फ़जाओं में अपनी खुशबू को यहीं बिखेरता रहे। दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हमारी तरफ से ये छोटी सी पेशकश। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आज आपने हमारे जिन कवियों, शायरों और एकमात्र कवित्री को सुना, आपको उनकी रचनाएं पसंद आई होंगी। आपके अंदर भी जो कुछ कमी रह गई होगी वो देशभक्ति का जज्बा जगा होगा, ये ऐसी हमें उम्मीद है। आज की महफिल में बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक किसी विशेष कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।